12:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में इनपुट भी मिले हैं। पुलिस की टीम पहले से एक्टिव भी थी और जब उनको पुख्ता जानकारी मिली जिस बांध के पास ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया यूपी पुलिस की तरफ से, तो वहां पर आमने सामने कई राउंड गोलियां चली हैं। ये भी जानकारी अभी प्रशांत कुमार की तरफ से साझा की गई है और ये कहा गया कि जब आमने सामने गोलियां चली तो उसके बाद दोनों बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। उनके पास से अत्याधुनिक विदेशी असलहे भी बरामद किए गए हैं। ये दावा यूपी पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि एक सवाल ये भी है बहुत बड़ा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़ा कर दिया कि जिन लोगों ने इस एनकाउंटर में भूमिका निभाई है उनकी भी वास्तविक जांच की जानी चाहिए। तो ये सवाल समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस की कार्रवाई और जिस तरह की घटना प्रयागराज के धूमनगंज में देखने को मिली थी, सरेआम उमेश पाल की हत्या की गई थी, उसके बाद से पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद, यानी 24 फरवरी की घटना हुई और आज 13 अप्रैल है जब हम लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जब दो मुख्य आरोपियों को, मुख्य साजिशकर्ताओं को पुलिस ने मुठभेड़ मार गिराया है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से ट्वीट किया है, हम दो बयान देख रहे हैं यहां पे अशोक। एक बयान तो हमें देख रहे हैं कि उमेश पाल के परिवार वालों को आ रहा है, जिसमें वो थैंक यू कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि धन्यवाद, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, हमें इंसाफ मिला, आज हमारे मन को शांति मिली, आज हमारी आत्मा को शांति मिली। एक ये बयान है और दूसरा बयान हम अखिलेश यादव का देख रहे हैं और उस ट्वीट में आप देखिएगा जो आखिरी लाइन अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि ये सरकार जो है भाईचारे के खिलाफ है। तो ये दो बयान देखने को मिल रहे हैं यहां पे, लेकिन जनता तक कौन सा मैसेज जाएगा? देखिए अभी इस पे ये कह पाना कि जनता में मैसेज कौन सा जाएगा ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश लगातार की जा रही है कि अपराध, अपराधी और जो संगठित अपराध करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको कानपुर का विकास दुबे का भी वो कांड याद होगा, जब कानपुर में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ था और उसके बाद भी अब कई दिनों तक उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन बाद में उसको उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था और कानपुर के बाहरी हिस्से पर जब उसको लाया जा रहा था दौरान भी मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया था। और उसके बाद दूसरी बड़ी घटना प्रयागराज के धूमनगंज में घटित हुई थी और उसके बाद भी सरकार की तरफ से, सरकार के नेताओं की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य किया जा रहा है, अगर कोई अपराधी घटना घटित करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ठीक इसी तरह से की जाएगी। ये एक मैसेज बीजेपी की सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई है इस पूरे घटनाक्रम में। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि अखिलेश यादव की तरफ से जो सवाल उठाया गया है एनकाउंटर को लेकर और कहा गया है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता से, ये भाईचारे के खिलाफ है, तो उनकी तरफ से भी एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, वो भी अपना एक संदेश इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी तरफ से इस तरह का ट्वीट किया गया है। तो दोनों दलों की तरफ से, दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं उनकी तरफ से पब्लिक के बीच में अलग अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और जो आपने एक सवाल उठाया था कि जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा, दोनों मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बात तय है, उत्तर प्रदेश में मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है कि पुलिस वालों की भी जांच होनी चाहिए, झूठे एनकाउंटर है, यह सरकार भाईचारे के खिलाफ है, दूसरी तरफ उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से खुशी जाहिर की जा रही है कि हमें शांति मिल गई है। लेकिन एक आपने क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर का जिक्र किया, कानपुर में यह हुआ था अशोक, तब गाड़ी पलटी थी और गाड़ी पलटने को लेकर इंतजार था कि अतीक अहमद का जो काफिला जा रहा है वो पलटेगा नहीं पलटेगा, लेकिन आज गाड़ी नहीं पलटी, आज बाइक पलटी है। तो उस बाइक को लेकर, बाइक पलटने को लेकर कोई कहानी नहीं बताई पुलिस ने, उसको लेकर अभी थोड़ी चुप्पी साधी हुई है, अभी डिटेल नहीं दी है कि बाइक से कहां भाग रहे थे, कैसे घेरा, ये बाइक कैसे पलटी। देखिए निश्चित तौर पर जो स्पेशल डीजी है उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से इस पूरे एनकाउंटर को लेकर मोटी मोटी जानकारी साझा की गई है। हालांकि ये सवाल उनसे किया गया था कि आखिरकार ये इनपुट उनको कैसे मिला, कैसे पता चला कि असद और गुलाम इस वक्त झांसी में